गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 6, दैट इज एवरी ड्रॉप काउंट्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वाटर। द टॉपिक इटसेल्फ टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इट टेल्स अस हाउ एवरी ड्रॉप वाटर इज सो प्रीशियस एंड हाउ आर वी वेस्टिंग वाटर ड्यू टू विच वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। इन इंडिया देयर आर मैनी स्टेट्स विच फेसिस शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड अमंग ऑल द स्टेट्स वन इज राजस्थान। राजस्थान इज अ स्टेट इन विच इट फेसिस अ लॉट ऑफ वाटर प्रॉब्लम्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट वेरियस स्टोरीज ऑफ राजस्थान। Now, long ago, this is a picture of Gatsisar. Sar means a lake. यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर है Gatsisar की। Sar means lake. King Gatsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. All around the lake, there are guards with steps leading to the water. Decorated verandas, large halls, rooms and much more. जैसलमेर के जो किंग है गढ़सी, उन्होंने इस झील को 650 years पहले अपने लोगों के द्वारा बनवाया था। तो जैसलमेर कहाँ है? तो जैसलमेर जो है वो कंट्री के राजस्थान स्टेट में है। तो लेक के पास कई सारे घाट हैं, वहाँ पे कई सारी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे उतरने के लिए, और लेक के आसपास ही डेकोरेटेड वरांडास, बड़े बड़े हॉल्स और रूम्स भी हैं जहाँ पर लोग आया करते हैं अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। द तालाब बिलोंग्स टू एवरी वन एंड एवरी वन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। और यहाँ पर बच्चे जो हैं घाट पर बना हुआ स्कूल है वहाँ पर पढ़ने आया करते थे। तो यहाँ पर ये जो लेक है वो सबके लिए बनाया गया था, तो यहाँ पर हर एक लोग जो है वो इस लेक की साफ़ सफाई का ध्यान दिया करते थे। नाउ रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट वेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन टू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। When that too filled up, the extra water flowed into the next leg, and this way all 9 legs filled up. तो इस लेक की एक स्पेशलिटी थी कि जब इस लेक में बारिश का पानी जमा हुआ करता था तो लेक को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि बारिश का पानी जो है वो लेक में जब जमा हो जाता था, जब वो भर जाता था, तब वो पानी बहकर दूसरे लेक में जाता था, और जब वो लेक जब भर जाता था तो उसका पानी बहकर तीसरी लेक में जाता था। तो इस तरीके से पानी जमा हो जाता था, तो इस तरह से टोटल 9 लेक्स भर जाते थे। तो जैसलमेर के जो लोग हैं वो इस पानी को फुल ईयर यूज़ करते थे। Gatsisar इज़ नो मोर इन यूज़। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। अब इन 9 लेक्स के बीच में कई सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन गई है, जिनकी वजह से बारिश का जो पानी है वो इन लेक्स में उतना जमा नहीं हो पाता और बारिश का जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। नाउ थ्रू द आईज ऑफ अलब्रूनी। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर है अलब्रूनी की। मोर देन 1000 ईयर्स अगो अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। तो
तो आज से लगभग 1000 ईयर पहले एक ट्रैवलर यानी मुसाफिर आया था और उसका नाम क्या था? अल्बरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान, और वो जिस प्लेस से आया था उस प्लेस का नाम था उज़्बेकिस्तान। अल्बरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ वॉट ही रोट अबाउट द पॉन्स ऑफ दैट टाइम। अब अल्बरूनी ने क्या किया? अल्बरूनी ने हमारे देश में आके जो जो चीज़ें एकदम डिफरेंट लगी, अलग लगी, जो उसके देश में उसने नहीं देखी थी, और उसने उन चीज़ों को अच्छे से एक बुक में लिखा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अल्बरूनी ने क्या लिखा। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras, raised platforms all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps of going up and coming down are separate, so there is less crowding. तो वो कहते हैं कि हमारे देश के लोग जो हैं वो बहुत ही माहिर हैं लेक बनाने के लिए। तो देश के लोग जो हैं वो इनकी कला को देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे, और ये लोग बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर आयरन रॉड्स के ऊपर चबूतरा बनाते हैं, और ये लोग जब सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उसको इस तरह से बनाते हैं कि ऊपर जाने वाली जो स्टेप्स हैं और जो नीचे आने वाले स्टेप्स हैं वो अलग होते हैं, जिसमें भीड़ कम हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है चबूतरे की पिक्चर। ओके, नाउ टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल्बरूनी। दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। Now observe and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, paka roads, drains, etc.? Is the area slopy, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rain water go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? तो यहाँ पर आप भी अपने स्कूल या अपने आसपास के एरिया में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि क्या कोई फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स या ड्रेन्स है, और क्या घर के आसपास के एरिया स्लोपी या रॉकी, पथरीला या फिर फ्लैट है। तो आप सोचिए कि बारिश का पानी जो है वो कहाँ जाता होगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में बारिश का पानी जो है वो रास्तों में जमा हो जाता है, भर जाता है। तो अक्सर कई सारा जो पानी है वो नालियों में बहकर वेस्ट हो जाता है, या फिर कुछ पानी मिट्टी में रिस जाता है, एकदम ज़मीन के नीचे चला जाता है, और ये पानी जो है मिट्टी उसको सोक कर लेती है, और यही पानी जो है वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, जिसे कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर, और यही पानी फिर हम कुएं से बाल्टी भर के निकालते हैं। नाउ ड्रॉप बाय ड्रॉप बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much. The rivers here do not have water all around the year, and yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. तो जैसलमेर के अलावा राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है।
तो राजस्थान की जो रिवर्स हैं उसमें पानी जो है वो पूरे साल भर नहीं रहता, फिर भी राजस्थान के जो विलेजर्स हैं, जो गांव हैं, तो गांव में कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं हुई। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रेशियस, क्योंकि वहाँ के लोगों को पानी की कीमत का पता है, उन्हें पता है कि वाटर की एक एक ड्रॉप जो है वो बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही कीमती होती है। लेक्स एंड जोहर वर मेड टू कलेक्ट वाटर, वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। तो राजस्थान में लेक और जोहर बनाए जाते थे बारिश के पानी को जमा करने के लिए। जोहर मीन्स लोगों के द्वारा बनाया हुआ तालाब, क्योंकि पानी जो है वो हर एक की नीड है। तो इस तरह के जोहर को बनाने के लिए विलेज की हर एक पीपल जो है वो हेल्प करता था, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर वो लेबरर हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इन टू द ग्राउंड एंड रीच्ड द वेल्स एंड बावड़ीज स्टेप वेल, द सॉइल ऑफ द एरिया अल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। तो इसी तरह लेक का जमा किया हुआ पानी मिट्टी में रिस कर नीचे चला जाता है और यही पानी हम वेल से निकालते हैं। तो बावड़ी भी जो है वो एक तरह का वेल ही होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेप वेल। डिफरेंट इतना है कि तो इसमें हम बकेट को नीचे वेल में डालकर और खींच के पानी बाहर निकालते हैं, और इस वाले वेल में बावड़ी में हम सीढ़ियों से नीचे उतर के जाते हैं और वाटर का हमें जितना यूज़ करना है अब उतना यूज़ करते हैं और वापस सीढ़ियाँ इन स्टेप से हम बाहर आ जाते हैं, जिसे राजस्थान के लोग कहते हैं बावड़ी यानी स्टेप वेल। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक ड्रॉ द पाथ। तो राजस्थान के कई घरों में आपको इस तरह का सिस्टम देखने को मिलेगा। बारिश का जो पानी है वो छत के ऊपर जमा किया जाता है और वो जमा किया हुआ जो पानी है पाइप के थ्रू एक टैंक में जमा करके रखा जाता है, और इसी तरह जो बारिश का पानी है वो जब रेन का जो सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद इस वाटर को समर और विंटर के सीज़न में वो लोग पानी का यूज़ करते हैं, जिससे पानी की कमी महसूस नहीं होती है, और इससे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर फॉल्स ऑन द रूफ, अ पाइप इज इंस्टॉल्ड एट द प्लेस वेयर द वाटर कलेक्ट्स, अनदर पाइप इज अटैच्ड टू द फर्स्ट पाइप एंड इट इज़ टेकन डाउन टू द अंडरग्राउंड टैंक। सो रेन वाटर फ्लोज थ्रू द बोथ पाइप्स and collects in the underground tank. This is how rainwater is stored. Now, have you ever seen a step well? क्या आपने step well कभी देखा है? Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, कई मंजिले इमारत यानी जैसे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पर मल्टी स्टोरी स्टेप्स बने हुए हैं। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। तो यहाँ पर कुएं से पानी खींचना ना पड़े तो यहाँ पर लोग नीचे जाकर सीढ़ियों से और पानी का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। स्टूडेंट्स
Further, we will continue in next video. Thank you.